हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लव यू गार्डनिंग। आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको अपनी मिर्ची के पौधे। देखिए, ये मैंने सीड से खुद ग्रो किए थे और अब ये इतने बड़े हो गए हैं। ये कैसे मिर्ची आ गई है, बहुत सारे फ्लावर्स भी आ रहे हैं और सब में मिर्चियाँ भी आ रही हैं। देखिए, ये एक दूसरी वैरायटी है पर्पल कलर की, इसे पर्पल कलर की मिर्ची निकलते हैं। ये वाली देखिए, ये बड़ी मिर्च है और ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। आप इसको सैलड में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आपके सैलड में कलर ऐड करने में बहुत अच्छा काम करेगी। दोस्तों, ये जो मिर्ची के पौधे हैं ना, ये मैंने बीज से उगाए थे एक साल पहले से चल रहे हैं और मुझे ऐसे ही मिर्चियाँ देते जा रहे हैं। ये मेरे कुछ पौधे हैं जो मैंने हटा भी दिए हैं, बाकी इतने ही बचे हैं मेरे पास। बहुत सारे हो रहे थे, मेरे पास स्पेस नहीं थी 20-25 पौधे एकदम मैनेज करने के लिए। और इसमें जो सबसे बड़ा पौधा है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा इस समय मिर्ची आ रही है, वो ये वाला प्लांट है। ये देखिए, इसमें कितनी बड़ी बड़ी, कितनी खूबसूरत सी मिर्चियाँ नीचे लटक रही हैं। और एक चीज़ मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहती हूँ, देखिए मेरे मिर्ची के पौधे में एक ऐसी मिर्ची निकली है जो कुछ गणेश जी जैसी लग रही है। देखिए कितनी क्यूट है ना, कितनी प्यारी है ये। आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसका शेप बिल्कुल लग रहा है जैसे गणेश जी जैसा ना, कितना प्यारा लग रहा है ये। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने इस पेड़ से मिर्ची भी हार्वेस्ट करने वाले हैं। और जब आप अपने हाथ से कुछ उगाते हैं और फिर उसे खुद से तोड़ कर और उसे यूज़ करते हैं जब अपनी किचन में, तो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको मिलता है, वो जब आप खुद उगाएंगे ना, आपको तभी लगेगा कि कितना अच्छा लगता है। आइए, हम लोग आज अपनी मिर्ची यहाँ से हार्वेस्ट करके कलेक्ट करने जा रहे हैं। आप जब भी मिर्ची तोड़ें या कोई भी सब्ज़ी तोड़ें, तो डायरेक्ट ऐसे प्लक ना करें प्लांट से, आप सीजर की हेल्प से उसे निकालें। ये मैंने सीज़र ले लिया है और ये वीडियो बनाने में आज मुझे इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी हैं मेरे साथ, वो भी मेरे साथ हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए, ये मैं मिर्ची अपनी तोड़ ले लूँ। आराम से तोड़िए, आपके प्लांट को कोई नुकसान ना हो। और आप सीधा से प्लग करेंगे ना, तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, कभी नीचेगा नहीं, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। और भी मिर्चियाँ हैं जो अभी तोड़ने लायक हो गई हैं, ये रही। अभी आज और भी मिर्चियाँ हैं, वैसे आज मेरे इस प्लांट में थोड़ी ज़्यादा मिर्ची होगी, मैंने बीच में इसको तोड़ी नहीं थी। लेकिन आप जैसे ही फ्रूट आ जाए ना आपके प्लांट में, आप उसे हार्वेस्ट तुरंत कर लिया करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि प्लांट अपनी एनर्जी वेस्ट करता रहता है उसे और राइप करने में और पकाने में। जब वो अपना एप्रोप्रिएट साइज ले ले, जब आपको लगे कि हाँ सफिशेंट है, तो आप उसे प्लांट से तोड़ जरूर लीजिए, क्योंकि आपके जो बाकी के फ्लावर्स होंगे और जो छोटे छोटे फ्रूट्स बन रहे होंगे, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट अपनी एनर्जी इसमें भी वेस्ट करेगा। और अगर आप डंडी से, ये देखिए मिर्ची को डंडी से तोड़िए, एकदम यहाँ से नहीं तोड़नी है, क्योंकि यहाँ से अगर आपने तोड़ लिया, अगर आपने मिर्ची ऐसे तोड़ लिया और ये प्लांट में लगा रह गया, तो क्या होगा ना, प्लांट इसको भी सुखाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देगा। तो आपको प्लांट की एनर्जी वेस्ट नहीं करवानी है, वो फुल्ली यूटिलाइज करें। आप जो खाद पानी दे रहे हैं, वो एनर्जी वेस्ट होगी और आपको फ्रूट कम मिलेगा। मुझे लगता है कि मैंने बड़े साइज़ की सारी मिर्चियाँ तोड़ ली हैं और ये छोटी हैं। अभी 3-4 दिन बाद ये फिर से प्लांट हो जाएगा
मिर्ची हार्वेस्ट करने वाला, तब मैं कैसे तोड़ लूँगी इसमें। एक मिर्ची इसमें भी लगी हुई है, इसलिए मैं तोड़ लेती हूँ। इस प्लांट में भी मिर्चियाँ हैं, मैं इसे भी तोड़ लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरे सुंदर सुंदर मिर्ची के प्लांट्स थे। ये देखिए, आज मैंने इतनी मिर्ची अपने प्लांट से कलेक्ट की है, और देखिए इसका कलर कितनी फ्रेश लग रही है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, फ्रेश मिर्ची बिल्कुल आपके खुद के बगीचे से निकली हुई। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ऐसी ही फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलती रहें, तो आप भी अपने बगीचे में इसे ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।